वो तेरे लिए लगाया था उधर, तेरे को लगे ना इसलिए। तूने तोड़ा ना क्या ये? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 10:45। आज मैंने ब्लॉग एडिट नहीं किया क्योंकि आज रात में भी लेट हो गया था, सुबह भी लेट हो गया। और आज मैं कैमरा रिपेयरिंग को डालने जा रहा हूँ, इसलिए आज हम पूरा ब्लॉग मोबाइल से शूट करने वाले हैं। कैमरा खराब हो चुका है आज। नायरा आज नायरा तुम दांत खाने वाली आज, तो फटके भी खाएगी सो गई बोल रही। वो क्या कर रही है पता है क्या? ये जो हमने उसके लिए लगाया है ना, वो सब निकाल दे रही है और मुंह से निकाल रही है। और वो जो प्लाईवुड है ये भी ये देखो ऐसे कर दिया उसने, ऐसे निकाल दिए। आज मॉन्टी भैया को कॉल किया है और झपाई की जा रही है। वैसे श्रुति का नहीं, तो दोनों भाई बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। ब्लॉग ही नहीं भेजता मेरा भाई। सुचिता चाची कहाँ है? हम लोग जैसे ब्लॉगिंग करते ना, वो ब्लॉग ही नहीं बनाता है। झपाई 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 क्या बन रहा है? आज बन रहा है भरता दाल में पालक। आज बन रहा है भरता दाल में पालक। और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, पापा को थोड़ा सर्दी होकर भी 2 प्लेट दही खाए। ले दही बड़ा खाए, बहुत अच्छा बना पूजा दही वड़ा। दे बेटा दे बेटा दे बेटा, बेटा। मेरे को मेरे पुराने दिन याद आ गए, मैं मोबाइल से ब्लॉग बनाता था। वो दे बेटा वो आवाज कम कर दो। यहाँ पे बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। अखिल भैया निखिल भैया को गाइड कर रहे हैं कि कैसे ब्लॉगिंग करनी चाहिए, वो भेजते ही नहीं वहां से ब्लॉग। दोस्तों आप लोग भी कमेंट करना और निखिल भैया को बोलो कि निखिल भैया सुधीर अभी को कि ब्लॉग भेजा करे वहां से। नायरा ब्रश हो गया फिर भी अभी ब्रश कर रही है। क्या ब्रश करने का टाइम है क्या? दो दो बार कौन ब्रश करता है नायरा? अखिल भैया अभी नायरा को ब्रश करना सिखा रहे हैं। ऐसे से करना, ब्रश के चिंदे चिंदे उड़ा देती है वो। देखो ये ब्रश इधर उधर से उससे काट काट के ब्रश करती है। हफ्ते भर में ब्रश करा। कहाँ जा रही है शिवानी? मार्केट जा रही है सब्जी भाजी लेने। रास्ता भूलोगे तो नहीं कुणाल? अब तो मैं तुमको जलगांव घुमा लूं। ओह नारा नारा ना, मराठी में बात करोगे ना उधर? हाँ तुसी काई जाला सब्जी है, तुसी काई जाला सब्जी। तो ये पापा की चाय रेडी। नायरा की ये फेवरेट प्लेस हो गई है। सुबह सुबह हर चीज यहाँ पे, दूध भी यहाँ पे पिएगी, ब्रश यहाँ करेगी, खाना यहाँ खाएगी। और आजू बाजू मस्त पिलो रख देती है, ऐसा छोटा घर बना लेती। अच्छा हाँ, उसमें अटकी थी पायल। क्या क्या लाने का बोला मम्मी ने? हरे कांदे हरा कांदा, ग्रीन ऑनियन। हरा कांदा क्या होता है? कांदे की पात। रवा 1 किलो लाना है, हरी धनिया, टमाटर। मम्मी आती मैं। और नायरा अभी अखिल भैया के पास जिद कर रही है कि उसे बाहर लेके चले। शिवानी बाहर गई ना उसके सामने तो रो रही थी। यहाँ पे पूजा भाभी अखिल भाई के लिए जूस बना रहे हैं। यहाँ पे दाल बन रही है, दाल पालक है क्या? आ गई नायरा घूम के। खाल तेरे को इतना मस्त देती ना ठीक खाने के लिए। हाँ नायरा जूस पी। कैमरे से क्यों नहीं ले रहे तुम लोग? उसको रिपेयरिंग को डालना है, पर अभी मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया था, मंडे को खुलेगा। और शिवानी ने मेरे लिए लाई है 2 रुपए वाली चौकी, मेरी फेवरेट। मैं आई थिंक इन्होंने एक ही बार खुद के लिए लाए हैं, और फिर मैं अब जब भी जाती हूँ खत्म होते साथ में वापस लेके। तो अभी मैं नहा के फ्रेश हो चुका, अभी मैं शॉप जाऊंगा। उसके पहले हम लोग मैगी खा रहे सब लोग साथ में मिलके। और अखिल भैया को मसाले वाली मैगी पसंद है और हम लोग तीनों सादी वाली लेते हैं हमेशा। और अभी हम लोग ना संगीत के डांस सेट कर रहे थे ना, तो नायरा ही पापा मुझे भी डांस करना है। ऐसा? अच्छा, मतलब आप लोगों ने इतनी फैमिली बढ़ा दी है ना, तो अभी ऐसा हो रहा है हम लोग न्यूजीलैंड का संगीत सेट कर रहे हैं, यूके से संगीत सेट कर रहे हैं, और वो भी पूरा कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और आपको भी अगर किसी को डांस सेट करना होगा ना, सोलो डांस, शादी में कपल डांस, ग्रुप डांस, तो आप पक्का बताओ, हम लोग ऑनलाइन में बहुत अच्छे से करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है डांस क्लासेस का हमारे, तो आप कांटेक्ट करके कर सकते हो। हाथ खराब हो जाएंगे बेटा तेरे। देखो इसको भी मैगी खानी है। आ करो जल्दी, उसको उठ के हाथ से ही खानी है। और कैसे? डांस एड कर लिया है जो संगीत के लिए करना था, अभी वीडियो भी बना लिया। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, दोपहर के 12 बजे, और शिवानी यहाँ पे कपड़ी कटते। वाह क्या काटे बोले तो। चलो बाय, मिलते दोपहर में। बाय बाय।
और अभी बज रहे हैं 3। शॉप पे कुणाल और पापा को खाना देने गई थी और अब मैं खिला रही हूँ नायरा को खाना क्योंकि वो अभी उठी है एंड देखो कैसे मस्ती कर रही है। और यहाँ पे हमारा कपड़े का जुगाड़ देखना अभी क्योंकि बाहर बारिश हो रही है तो यहाँ पे देखो सब इधर उधर है नजारा। और देखो बेडरूम का नज़ारा ऐसा लग रहा है कि इंसान लटक रहे हैं ऊपर कपड़े नहीं सूख रहे हैं ना और ज्यादा कपड़े हैं और आज बहुत ज्यादा कपड़े हैं मतलब अभी भी उधर पे कुछ हमारा वो तार वगैरह लगे वहाँ पे भी अभी कपड़े हैं अंदर की साइड कपड़े हैं एंड पूरा इतना बारिश हो रहा है मस्त एंड हम नायरा को मम्मा खिला रही है बाहर बहुत मस्त बारिश हो रही है यहाँ भी हम लोगों के कपड़े हैं ऊपर भी यहाँ कपड़े ही कपड़े हैं एंड बारिश बहुत ज़्यादा मस्त हो रही है। अभी मेरा और भाभी का खाना अभी हुआ है मतलब हमने 3 बजे खाना खाया हुआ है। हम बाहर गए थे थोड़ा काम से मार्केट गए थे तो फिर हमने अभी जस्ट खाना खाया है और फिर अखिल भैया अभी सोए हैं उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर से खाऊँगा क्योंकि सुबह नाश्ता किया हुआ था एंड पापा और कुणाल को मैं टिफ़िन दे के आ गई थी और अच्छा हूँ पहले दे ही नहीं तो पानी ही था तो फिर ऐसा होता वो भीगते भीगते आते और पापा को भी थोड़ी तबीयत ख़राब है पापा की सर्दी खांसी हो रही है पापा को तो इसलिए मैं वहाँ देने गई थी दोनों को खाना। तो अभी हम लोग आ गए घर पे खाना हमारा हो गया एक बार तो आपके लिए अच्छा लगेगा तुझे भाभी मैं आई के करूंगी भी कैमरे से अरे वो लोग ऐसे सिखाते हैं ना बेसिक से इधर से फर्स्ट स्टेप से तो फिर आज शिवानी आ रही है ट्राई करूंगी भैया आज तो पूजा को तो जबरदस्ती आने ही है कुछ भी हो जाए उसको कंपलसरी आना है मैं आने वाली हूं अगर आज वो नहीं आए तो सिखाएंगे तो चलो अभी क्लास पर से फोन आ चुका है सब लोग रुके और मुझे भी क्लास निकलना होगा अभी और भाभी और मैं अभी आए हुए हैं भाभी के शॉप पे अभी फैब्रिकेटर आने वाला है तो आर्किटेक्ट आएगा फिर उसका आर्किटेक्ट आएगा तो हमको देखने का है कि कैसे क्या मैनेज करने वाले हैं और कैसे क्या बनने वाला है। पेड़ का काम हो गया है मेरा इसके नीचे में कुछ अलग से कवर करने वाली होगा वो आर्किटेक्ट बताएंगे हमें और ऊपर मैंने टैंक बिठाया है बिकॉज मुझे वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी क्लिनिक में। अभी मैं और भाभी थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करने आए हुए हैं एंड मम्मी ने लिस्ट बना के भी भेजी हुई है हमको। हम लोग हमेशा 5-5 वाले बिम लेते हैं बिकॉज वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना तो हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग रही थी हमेशा पानी पूरी बड़ा पाव वगैरह हम लोग खाते थे तो आज सोचा कुछ अलग ट्राई करेंगे तो हम लोग कुका भी नहीं आए कुका इज़ चॉकलेट शेक्स विद क्रश। तो दोस्तों अभी मैं मनीष भाई और पूरी टीम हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए थे क्योंकि कल है ना हम लोग सब ने डिसाइड किया कि ट्रेडिशनल ड्रेस में करते हैं तो मनीष भाई को हम लोग है ना यहाँ का जूस पिला रहे हैं जो फेमस है उससे पहले ना सभी लोग है ना देखो मोबाइल ऑन सबके मोबाइल ऑन हो गए तो अभी मैं डांस क्लास आ गया हूँ और चलो अभी आपको बताता हूँ हम लोग का गरबा काम कैंप कैसा चल रहा है। और मुझे ना कैंप से अचानक निकलना पड़ रहा है क्योंकि पूजा का फ़ोन आया था पूजा शॉप पे गई है मतलब उसके क्लिनिक पे तो वहाँ पे उसका फ़ोन आया कि पापा को ना ठंडी बच के आई है तो कैसे अभी बारिश ज़्यादा हो रही है तो मुझे मेरे पास ही कार थी तो मुझे अभी ना पापा को लेने जाना है और देखना है और पापा की कल ही तबीयत ख़राब थी बट पापा ने नहीं सुना बोले मुझे शॉप पे जाना ही है और अभी उनको ठंडी बच के आई है तो अभी मैं पापा को लेता हूँ और घर पर छोड़ के आता हूँ और मैं पापा को लेके आ गया हूँ। बाप रे बुखार अच्छा और पूजा ने ऑलरेडी पहले ही बोला था पापा को कि जाना नहीं है ये देखो मैया ने देखा अभी नायरा देखेगी नहीं मैया टुचू देगी ऐसा बोल अच्छा मैया मैया टुचू देगी टुचू देगी दादा अभी तुमको और यहाँ भाभी ने इंजेक्शन तैयार कर लिया है पापा जी को फर्स्ट इंजेक्शन दे रहे हैं पापा जी को फर्स्ट इंजेक्शन इसके पहले कभी मैंने पापा को इंजेक्शन नहीं दिए क्योंकि पापा बहुत डरते हैं। नायरा फर्स्ट टाइम देखने वाली है इंजेक्शन लगते हुए क्या देना बेटा और नायरा यहाँ बिल्कुल डरे हुए के देख रही है इंजेक्शन लगा कैसे लगता है नायरा डर लग रहा हाँ देखो हाँ कर रही नायरा को पर पापा अभी कल तो संडे है तुम जरा से भी गेट के बाहर निकलना मत ना वॉकिंग ना टॉकिंग पापा कैसा लगा इंजेक्शन बहुत लाइट था बहुत लाइट था ही दिए दही बड़े ससुर जी को और बहू इंजेक्शन टिच्चू लगाया इसने कभी दूध मंगा पूजा का इसको भी टिच्चू देने का अरे वो मेरे को नहीं लगाना टिच्चू ओ भाभी इधर टिच्चू
नायरा खुद बोल रही है कि मेरे को भी टिच्चू दो, मतलब उसको भी इंजेक्शन चाहिए। और यहाँ पे बन रही है रोटियाँ, अब रात की सब्जी हम सोच रहे हैं पाटोरी की सब्जी। देखो ये अखिल की स्टूडेंट है भूमि, ये कैंप के लिए आई थी तीन साल पहले आई थी कैंप के लिए, 3 से 4 महीने रही थी भूमि यहाँ पे। और तब से इतनी अटैचमेंट हो गई ना इससे कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी मुझे लड़की हो और मेरी लड़की भूमि जैसी बड़ी हो। तो आज भी हमको कभी बात करनी होती तो हम बहुत मन की बातें एक दूसरे को बताते रहते हैं। और उसको आज भी याद है कि देखो ट्रेन की आवाज आती है, इसके हाथ का ये अच्छा लगता है, उसके हाथ का वो अच्छा लगता है, उसको हमारी आदतें आज भी पता है कि क्या होती है और क्या नहीं। तो भूमि और नायरा तो कभी मिले नहीं एक दूसरे से, हम लोग जल्दी प्लान कर रहे हैं कि हम लोग मिलेंगे। भूमि हमारे डेली ब्लॉग्स देखती है और डेली ब्लॉग्स देख के वो इसमें खुश रहती कि मुझे अपडेट मिलती है कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नई न्यूज आ रही है, क्या नहीं हो रहा है। और ये देखो ये बदमाश मुझे शूट भी नहीं करने दे रही है, ये ऐसे खींच रही है, ऐसे खींचती है मुझे। तो मैं गरबा कैंप के लिए आई हूँ और एक्चुअली मैं लेट हूँ, 7:30 का टाइम था लेकिन अराउंड 7:45 हो चुके। तो अभी जो स्ट्रेट सिखाना था वो हो गया है, अभी हम लोग राउंड में करेंगे। और आज की स्टेप जो थी ना वो लाइक 34 स्टेप्स थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी मनीष सर है, चांदनी है, प्रणाली है, हम सब इन तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे से सिखाया है सबको। मैं बस पूजा का शूट लेने जा रहा था तब तक एक क्लाइंट आ गए डांस क्लास के बारे में बात करने के लिए, और उसके बाद तो मैडम ही आ गए इधर आधा गरबा में से आ गई पूजा। गरबा खेलना भी मतलब एक है ना, ऐसे बोल सकते हो क्रेजी लोग रहते हैं। अभी मैं उसका एग्जांपल देता हूँ क्लास के बच्चे लोग और इन लोगों का ही बताता हूँ आपको। पैर देखो इनके, पैर देखो, ये देखो भाई, मतलब तुम लोग ऐसे ना कितना भी लोगों करना ही है ना, बस करते रहो। मनीष भाई आपके पैर बताओ, पैर बताओ, सूज गया उंगली मुड़ी में थी और मेरा अंगूठा मुड़ा हुआ था। उंगली मुड़ने के बाद भी यहाँ पे आता हुआ अलग ही जोश है। तो अभी हम लोग एक दो रील बना लेते हैं और पूजा अभी जा रही है घर पे क्योंकि नायरा उठ चुकी है, तो पूजा को जाना है, नहीं तो मैं और पूजा आ जाने एक रील बनाने वाले थे। ओके वो तो जल्दी नहीं होने वाला है, वो जल्दी पॉसिबल नहीं होने वाला, बिकॉज जब मैं आती हूँ क्लास अखिल बहुत बिजी रहते हैं, और इसके पहले मैं क्लास आती थी तो अखिल नायरा को संभालते थे, आज नायरा नहीं आई तो अखिल आज बिजी थे। अरे तो नायरा भी सोई है, वो उठ गई, नहीं तो हम लोग रील बनाते, पर हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएंगे रील। ओके बाय। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं, मैं शॉप से आ चुका हूँ और आज खाने में बनी है पातोड़ी की सब्जी। शिवानी ने इतने सारे जाम काटे, इतने सारे तुम खाने वाली हो क्या? हाँ तो नाली सब मैं सबके लिए काटे हैं, बट खाने में वाली हूँ बस। और पापा बीमार हो गए हैं, पापा को सर्दी बुखार हो गया। दूध वाले भैया आए तो हमारा टफी घुरा रहा है। तो अभी हम लोग खाना खा के मैं और शिवानी मूवी देखने जाने वाले हैं आज ब्रह्मास्त्र। हम लोग शिरडी जाने से पहले हमारा प्लान था मूवी जाने का, बट हमें अचानक शिरडी जाना पड़ा इसलिए हमने प्लान थोड़ा पोस्टपोन किया था। तो आज मैं और शिवानी जा रहे हैं, अखिल भैया और पूजा अभी नहीं आ रहे, और ये देखो नायरा भी उठ गई थी कब से सो गई। तो आज का ब्लॉग हम लोग इधर ही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नान नान रुक जाना, नान हाँ मेरी बैग है, बैग है, रुके थैंक हाँ पहनो, पहन के जाओ, पहन के रखो, हाँ क्लास जा रहा हूँ, बैग पहनो, ओके थैंक यू। तो थैंक यू सो मच, ऐसे हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करते रहना, बाय।